भाग्ने आएको छ र तपाईँले प्रत्येक दोकानमा गएर प्रत्येक स्टलमा गएर सम्बन्धित तपाईँहरूलाई जरुरत भुटान के पासाका में चल रहे फैक्ट्री के कारण भारत भूटान सीमा से सटे इलाके में रहने वाले लोगों को विभिन्न तरह का बीमारी हो रहा है। आज ये बातें कालचीनी थाना के अधीन भारत भूटान सीमा से सटे सेंट्रल रिवर्स चाय बगान में जिला प्रशासन की पहल में आयोजित किए गए आपनर बगाने प्रशासन कार्यक्रम में पहुंचे जिला शासक को इस विषय की जानकारी सेंट्रल रिवर्स चाय बगान मैनेजमेंट की ओर से दिया गया। ज्ञात हुआ चाय बगान इलाके में रहने वाले साथी काम करने वाले लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके इसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान बगान श्रमिक के सुविधा के लिए इस जगह 21 विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। इधर इस कार्यक्रम के दौरान बगान के मैनेजमेंट के द्वारा यहां पास स्थित भूटान के पासाका फैक्ट्री के कारण उत्पन्न हो रहे पॉल्यूशन की समस्या के बारे में जिला शासक को बताया गया। बगान मैनेजमेंट ने बताया कि इस जगह भूटान के पासाका फैक्ट्री होने के कारण काफी पॉल्यूशन होता है जिसके कारण यहाँ चाय पत्ती को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, साथ ही यहाँ के चाय श्रमिकों को विभिन्न तरह का बीमारी हो रहा है। बगान मैनेजमेंट की ओर से प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान दिए जाने की अपील भी की है। प्रत्येक डिपार्टमेंट विभाग तपाईहरुको सामने आएको छु र आशा गर्छु तपाईहरुको जुन चाहिँ दुःख कष्ट छ त्यो दुःख कष्टलाई हामी जति सक्दो सम्भव हामी मिटाउने हामी चेष्टा गर्छौँ। उहाँले त्यही नै मेसेज दिँदैछ तपाईँहरूलाई। आज सरकारको जुन चाहिँ प्रयासमा आज प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरू यहाँ तपाईँहरूकोमा आएको छ। तर आज हामी यहाँ आएर तपाईँहरूले कुरा सुनेर मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूको एकछिनमा हामी तपाईँहरूको एक एकजनाको कुनै समस्या छ त्यो जति पनि विषयहरू लिएर अहिले चर्चा हुँदैछ त्यो तपाईँले यहाँ लेखाउनु भयो भने अहिले हामी तपाईँहरूको नामसित तपाईँको समस्या कहाँ छ कुन जग्गामा के समस्या छ त्यो हामी लेखेर गएर सरकारलाई हामी पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ। ये जो चाय बगान में आजकल पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है इस बारे में क्या करना है? देखिए मैं इस टी गार्डन में बहुत रिसेंटली ट्रांसफर होके आया हूँ मथुरा टी गार्डन से एंड बेरली एक महीने के अंदर मैंने इस गार्डन में जो देखा है और जो परमानेंट मैनेजर छुट्टी जाने से पहले मेरे को जब चार्ज दे रहे थे उन्होंने मेरे को गार्डन दिखाया, उन्होंने मेरे को पसाका एरिया जो हम लोग का रंगामाटी डिवीजन से एकदम नेबरिंग है वो एरिया भी दिखाया, पोल्यूशन दिखाया मेरे को वहाँ पे। जब से मैं यहाँ पे एक्टिंग चार्ज में हूँ तब से वर्कर्स भी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं अपना बहुत तकलीफ है वो लोग को, बहुत डिजीजेज हो रही हैं वर्कर्स को। टी गार्डन्स में जो डिजीजेज कभी सुना नहीं था, इतना हेल्दी और नेचर के अंदर एनवायरनमेंट में आदमी रहता था आज सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ भूटान पोल्यूशन। बाई बर्थ डिफॉर्मिटीज हो रही हैं बच्चों को, स्किन डिजीजेज हो रही हैं, कैंसर रिलेटेड डिजीज हो रही हैं, लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज। ये तो ह्यूमन का है, इवन लाइफ स्टॉक कैटल काउज गोट्स वो लोग को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कितना इफेक्ट हो रहा है टी गार्डन तो फर्स्ट इज ह्यूमन चाय गाच शेड ट्रीज ये सब तो पीछे, पहले ह्यूमन अगर इफेक्ट हो रहा है तो पेड़ पौधे तो जानवर तो जरूर होंगे ही होंगे इफेक्ट। तो इट इज ऑलमोस्ट 300 to 400 hectares is covered with pollution. लेबर समाधान के लिए हम लोग बगान करते हैं क्या-क्या अपने रेमेडीज और बगान क्या कर सकता है आप बताइए मेरे। It is a pollution which is coming across the border. It is pollution from across the border. It is not even our own motherland. It is from the neighboring country Bhutan. एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट मैनेजर ने बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किया है इसके बारे में। अभी आज मैं बीडीओ मिस्टर भूषण शेरपा आए थे तो मैं मौका मिला, मैंने उनको देखा कि थोड़े से फ्री थे उस टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम्बल रिक्वेस्ट किया मैंने उनसे, मैं उनको ले जाके दिखाया स्पॉट एंड हम लोग
उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि अभी डीएम साहब आने से हम लोग उनको भी ले जाके दिखाना चाहते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर। मैंने सबका तरफ से रिक्वेस्ट किया उनसे, हम्बल रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज़ हम लोग का आके प्रॉब्लम्स देखें। दिस इज़ नॉट ओनली टी गार्डन प्रॉब्लम, दिस इज़ ह्यूमन प्रॉब्लम, not only affecting the present generation, it is going to affect the generations to come henceforth.